कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शाहजहांपुर पुलिस ने खुद को हाईटेक कर लिया है। यहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। खास बात यह है कि फरियादियों और पुलिस अधीक्षक के बीच महज 20 मीटर का फासला होता है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक की इस पहल की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। ये हैं शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एस आनंद, जिन्होंने फरियादियों की बात को सुनने के लिए हाईटेक तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल जिले में लगातार संक्रमण बढ़ने से पुलिस के अफसरों को भी खतरा बढ़ गया था। पब्लिक से सीधे संपर्क में आने से कई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके थे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फरियादियों की समस्याओं को सुनना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अपने चैम्बर में बैठते हैं और फरियादी बाहर कुर्सी पर कैमरे के सामने बैठते हैं। फरियादी एसपी को 20 नंबर डायल करके उनसे सीधे जुड़ जाते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक भी फरियादी की तस्वीर को अपने मॉनिटर पर देख सकते हैं। फोन के जरिए फरियादी अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक के सामने रखते हैं, जिसका मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। खास बात यह है कि फरियादी बिना पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुए अपनी सारी बात उनसे कर सकता है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन रहती ही है, साथ ही संक्रमण का भी खतरा नहीं रहता है। ये कोविड-19 महामारी के कारण जो संक्रमण बढ़ रहा है, उसके दृष्टिगत ये एक प्रयास किया गया है ताकि जनता के व्यक्ति जो आए यहाँ, कम से कम उनकी सीधी बात संबंधित अधिकारियों से हो जाए और उनके सामने उनको प्रस्तुत भी ना होना पड़े, ताकि इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रॉपरली लिए जा सकें। इसके दृष्टिगत बाहर एक कैमरा लगाया गया है और साथ में एक मॉनिटर है, जिसके माध्यम से जो भी अधिकारी से बात करना चाहें, जनता के व्यक्ति, उनको वो कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ उनको वो अधिकारी दिखाई देंगे उस मॉनिटर में, जिनसे उनकी बात हो रही, ताकि उनको भी ये तसल्ली रहेगी कि जिनसे वो बात करना चाहते हैं वही उनसे बात कर रहे हैं। और टेलीफोन के माध्यम से उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि वॉइस कॉल उनके ज़रिए मिल जाए और जो वीडियो कॉल है वो मॉनिटर के माध्यम से मिल जाए। इससे पब्लिक को भी एक सुविधा रहती है कि आए हैं तो कम से कम उतनी दूर से तो अपनी बात संबंधित अधिकारी से कह सकेंगे। अधिकारी भी इसका संज्ञान लेते हैं, तुरंत कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए। शिकायत लेकर आया फरियादी सीधे पुलिस के आला अधिकारी को अपनी बात बताना चाहता है। फरियादी यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधीक्षक से बात करके संतुष्ट हो जाता है। हालांकि फरियादियों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, साथ ही उनका टेम्परेचर भी जांचा जाता है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के इस हाईटेक तरीके को फरियादी भी पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा सिस्टम है, सबसे बात कर रहे हैं, बहुत प्रायोरिटी बात करते हैं, सबकी बात सुनते हैं और सबका काम हो रहा है। बात वही है, चाहे आप उनके पास जाकर बैठ बात करें, चाहे यहाँ से बात करें, हमने फ़ोन से बात करी है, सामने ये लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आज से 2008 पहले मैं एक बार मोदी जी वहाँ गया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो वहाँ भी इसी तरह से बात हुआ करती थी, वो सबसे बात किया करते थे। तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और सबसे पहले कहता हूँ शाहजहांपुर में एसपी साहब और डीएम साहब की, इससे पहले एसपी साहब से उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, इन दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। जब एसपी डीएम की दोनों केमिस्ट्री होगी तो बहुत अच्छा काम होगा। दरअसल आम पब्लिक के संपर्क में आने से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भी कई सिपाही संक्रमित हो चुके हैं। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक ने सामाजिक दूरी को मेंटेन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की, जिसके बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। सबसे खास बात यह है कि फरियादी की शिकायत का निस्तारण तुरंत किया जाता है। पुलिस अधीक्षक का यह भी कहना है कि कोरोना से सुरक्षा की दृष्टि से यह व्यवस्था अन्य अधिकारियों के लिए भी की जा रही है।